नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, और कोई भी बोर्ड के हो, हर एक बोर्ड में ये चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये एक सेकंड चैप्टर है आपके, टोटल जो चैप्टर है केमिस्ट्री में चार है, टोटल पांच थे। पांचवा जो चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है। तो जो पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर है उनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, है ना। आप ध्यान से देखिएगा इसमें जो मेन मेन आपका कंटेंट्स है वो क्या क्या है, वो सबसे पहले देखें कि हम क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट में। और दूसरा जो टॉपिक है वो एसिड और बेसिस के बीच में क्या डिफरेंट होगा टेस्ट में, जनरल प्रॉपर्टीज हम एसिड की करेंगे, और एसिड्स के बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे कि नेचुरली अकरिंग एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, हमारे फूड में कौन से एसिड है जो जनरली पाए जाते हैं, कौन से फूड के एसिड नुकसानदायक होते हैं और कौन से फूड के एसिड बहुत जरूरी होते हैं, है ना। एसिड का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, और ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से क्या प्रॉब्लम आ सकती है अलग अलग जगह पर, और साथ ही साथ हम वाटर का रोल देखेंगे एसिड्स में और बेसिस में। ठीक इसी तरीके से हम बेसिस को के बारे में करेंगे, बेसिस की डेफिनेशन जानेंगे, बेसिसिटी जानेंगे, एसिडिटी जानेंगे, और कुछ रिएक्शंस हम जानेंगे एसिड और बेसिस की। और खास तौर पे जो रिएक्शन है वो है एसिड और बेसिस की एयर के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, मिनरल के साथ में, और एसिड और बेसिस की आपस में रिएक्शंस भी हम जानेंगे। इस चैप्टर का और भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सॉल्ट। पांच सॉल्ट आपके सिलेबस में है, तो इन सॉल्ट में से एक या दो सॉल्ट आपको निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाले हैं। जहां तक बात करें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे, तो वो अभी जान लीजिएगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसमें इंडिकेटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक वो इंडिकेटर जो कलर शो करते हैं एसिड या बेसिस में अलग अलग, और दूसरे इंडिकेटर जो हमारे स्मेल शो करते हैं यानी कि ऑर्डर शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड में और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में। पीएच पेपर से आपका क्वेश्चन आना निश्चित रूप से जरूरी है। एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ की जाए तो क्या रिएक्शन बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो आपका पीएच वैल्यू है, हालांकि आपके सिलेबस में कम है लेकिन वहां से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। एक क्वेश्चन आपको सॉल्ट से जरूर आएगा, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे सॉल्ट से। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बहुत आसान सा काम होगा। जो आपके पांच सॉल्ट दिए हुए हैं उसका जनरल नेम, उसका केमिकल नेम, उसका केमिकल फॉर्मूला और उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रिपरेशन दो टाइप की होती है, तो आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़नी है और फिर उसके दो तीन यूजेस आप जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है साइंस का जहां पे वन वर्ड आंसर आता है, चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क का हो। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है और 3 वर्ड में आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। वो डेफिनेशन बनाने के लिए या सेंटेंस क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी लिखें वो अलग बात होगी, लेकिन मेन वर्ड या मेन केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम या जनरल नेम आप सही नहीं देंगे तो उस पर आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं यहां पर एसिड से। तो सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन हम ले लेते हैं। आपका अपना कलर बढ़िया वाला मैंने ले लिया है, तो एसिड जो होते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोगों को हो सकता है 8वीं 7वीं तक इस तरीके की डेफिनेशन एसिड की पढ़ी हो कि जो खट्टे होते हैं, श्योर होते हैं, वो एसिड होते हैं। ये डेफिनेशन अब नहीं चलेगी बच्चों, है ना। तो एसिड जो है वो सब्सटेंस होते हैं जब उन्हें डिजोल्व किया जाता है ना। किसमें डिजोल्व किया जाता है, वाटर में, तो फिर वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, उन सब्सटेंस को हम एसिड्स कहते हैं। ठीक इसी तरीके से बेसिस की भी जो डेफिनेशन है, सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, है ना, प्रोड्यूस और गिव्स OH- आयन, तो उनको हम बेसिस कहते हैं। हाँ, जो आपकी बातें हैं जो आपको याद है वो गलत बिल्कुल भी नहीं है,
कि एसिड सोर होते हैं, लेकिन ये एसिड की प्रॉपर्टी में बच्चों आप लोगों के लिए मिलेगा, यानी कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, वो बिल्कुल ही श्योर है। और जो एसिड है वो लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर से क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चों, है ना, लिटमस पेपर को पर जो ब्लू कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, BAR से आप इसे बिल्कुल समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, एक है मिथाइल ओरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो कलर इंडिकेटर होता है, इसका नाम आपको जरूर याद कर लीजिएगा, तो आप समझ रहे होंगे इसका जो बेसिक कलर है वो ऑरेंज होता है ना, बेसिक कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। और एक होता है आपका फिनोफ्थलीन, यानी कि ये दो ये तीन जो नाम है वो ऐसे हैं कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन 100% तो मिल जाएगा। फिनोल होता है बच्चों ये फिनोल्फथैलीन है, बहुत अच्छा केमिकल कंपाउंड है, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलने वाला है। और अब सवाल ये आता है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं है ना जो एसिड में डालने से या बेस में डालने से अपना कलर चेंज करते हैं, और यहां से भी 1 मार्क का आपका क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि दो टाइप के इंडिकेटर आपके हुए, पहला जो इंडिकेटर है वो है कलर इंडिकेटर, और दूसरा जो इंडिकेटर है जिसमें स्मेल चेंज होती है, जिसमें ऑर्डर चेंज होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना, याद रखिएगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आता है। और इस इंडिकेटर के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत सारे हैं, कलर इंडिकेटर के मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो सबसे पहला तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे फिनोफ्थलीन है, दूसरा आपने अभी पढ़ा था है ना, दूसरा जो इंडिकेटर आपने पढ़ा था वो अभी पढ़ा था वो है लिटमस पेपर के बाद में रेड कैबेज जो है वो भी कलर इंडिकेटर है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो फिनोल्फथलीन है वो भी आपका कलर इंडिकेटर है, और उसके साथ साथ में जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी आपका है कलर इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा बच्चों, है ना, क्लोव ऑयल का नाम आपने सुना होगा है ना, क्लोव ऑयल जो होता है वो कलर ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, यानी कि स्मेल चेंज होती है इससे। और साथ ही साथ आपका वनीला, आप आइसक्रीम से याद कर सकते हैं, वनीला जो है वो भी और साथ ही साथ है अनियन, अनियन भी आपका ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखें। इसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं बच्चों कि जो हमारे एसिड्स भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना, कभी कभी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एक होते हैं हमारे नेचुरल एसिड, है ना, ये एक होते हैं हमारे नेचुरल, इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जो बनाए हुए होते हैं, है ना, और उन्हें हम इनऑर्गेनिक इंडिकेटर भी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें बेस होता है, है ना, जिस तरीके से एसिड होता है उसी तरीके से बेस होता है। आप लोगों को कुछ फॉर्मूले और एसिड के नाम याद रखने होंगे, और 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर आ जाता है ना, याद कर लीजिए बच्चों। जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज आपके खाने का फ्रूट होता है, या लेमन जो होता है ना, इसके अंदर जो एसिड होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। इसके साथ साथ में एप्पल है ना जो आप खाते हैं उसके अंदर जो है वो मैलिक एसिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। टोमेटो जो है, टोमाटो है ना, टोमेटोज जो होते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है। साथ ही साथ इमली के बारे में आप सुनने सुना होगा, खाई भी होगी है ना, टर्मेराइंड बोलते हैं, टर्मेरिक नहीं बोलते, ध्यान रखना है। तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो टार्टरिक एसिड होता है ना। उसके साथ साथ में विनेगर, विनेगर के बारे में आपने जरूर सुना होगा,
शहरों के बच्चों से विनेगर के बारे में पूछा जाता है तो वो सुईदा कहते हैं कि जो चाउमीन में डाला जाता है, यानी कि सिरका इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसके अंदर जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी जो चीज है जिसे कम बच्चे याद करते हैं वो है प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर जो एसिड होता है बच्चों वो होता है एमिनो एसिड। तो इन एसिड के नाम आप जरूर याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये नेचुरल है, तो इसलिए ये आपके ऑर्गेनिक एसिड हम इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कुछ एसिड्स के फॉर्मूले और कुछ एसिड्स के नाम आपको यहाँ पर लिस्ट देता हूँ। एक एसिड का नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद में दूसरा जो एसिड है जो बहुत फेमस है, सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा जो एसिड है वो है आपका HNO3। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड भी माने जाते हैं। फॉर्मूले मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं। जो आंट होती है, चींटी होती है, उसके अंदर जो एसिड होता है वो जरूर याद रखना है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। और अगर इसका फॉर्मूला आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, HCOOH होता है। और एक होता है बच्चों जो अक्सर पूछ लिया जाता है, और वो होता है आपका कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो H2CO3 होता है। तो इसको बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया आपको नेचुरल और सिंथेटिक एसिड के बारे में। और जो आपका एसिड होते हैं, आपको ये पता ही है कि उनमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं ये, है ना। और हाइड्रोजन आयन की जो रेंज है बच्चों, ये जरूर याद रख लीजिएगा, 10^0 से लेके और 10^-7 तक इसकी रेंज होती है, -7 से कम, यानी कि -7 तक इसकी ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो बच्चों इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या है, और पीएच वैल्यू क्या है, और इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। एसिडिटी जो है वो एक अलग वर्ड है, ध्यान रखिएगा, एसिड से एसिडिटी की डेफिनेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। और इसी तरीके से जो बेसिसिटी होती है वो भी एक अलग चीज है, और उसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है और साथ ही साथ उसका जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है, ये एसिड में होता है और ये होता है बच्चों बेसिस में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10^-14 के इक्वल होता है। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है और उसका OH आयन कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो 10^-14 से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फिर आप OH आयन कंसंट्रेशन को जान सकते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 10^0, उसके बाद में 10^1, उसके बाद में ये कंसंट्रेशन है बच्चों, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हें समझने से आपका पूरा चैप्टर आपकी ग्रिप में आ सकता है। तो 10^7 और ये इस तरीके से आपका 10^14 तक चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। और अगर हम बात करें पीएच वैल्यू की, तो ये जो पीएच वैल्यू है इसकी जो पावर होती है ना, इसकी जो पावर है वही इसकी पीएच वैल्यू होती है। साइन को यहां पर आप साइड में रख सकते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू जो होती है वो आपकी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू है 0 से 14 तक
होती है। एक बात आपको याद रखना होगा कि ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम एसिड कहते हैं, और ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम बच्चों बेसिस कहते हैं, है ना। तो याद रखना है एसिड्स और बेसिस, यानी कि एसिड का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 10^0 से लेके 10^-7 से कम होता है, से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और जो पीएच वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 6 और 7 भी मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो 7 से आपको नीचे लाना होगा इसको, तो ये पीएच वैल्यू आपको याद रखनी होगी। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या ओएच आयन कंसंट्रेशन या पीएच वैल्यू, इन तीनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई बच्चों आपसे पूछे कि जो वाटर है उसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका कितना होता है, तो वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, आपको याद रखना होगा। यानी अगर इसमें कोई पूछे कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 10^-7, और इसके अंदर जो ओएच आयन कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, तो वो भी 10^-7 के इक्वल होता है। तो इन बातों को आप जरूर जान लीजिएगा, और अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो रख लें कि जो पीएच वैल्यू जो होती है ना, पीएच वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा ओएच आयन कंसंट्रेशन इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पास ओएच आयन कंसंट्रेशन है तो सबसे पहले आप उसे हाइड्रोजन आयन में कंसंट्रेशन में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी न्यूमरिकल भी एक छोटा सा इसमें आ जाता है ना। जो सॉल्ट है आपके आपके सिलेबस के अंदर जो सॉल्ट है वो 7 है, और आपने पीओपी का नाम आपने जरूर सुना होगा, साथ ही साथ आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा, बेकिंग पाउडर का नाम सुना होगा, वॉशिंग सोडा का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये 4-5 आपके सॉल्ट हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी ही लगेगी ऑब्वियसली, तो मैं आपको इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसे आपको बाद में जरूर कराऊंगा। और कुछ वीक एसिड, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको कुछ वीक एसिड के नाम याद रखने होंगे और कुछ वीक बेस के नाम याद रखने होंगे, कुछ वीक बेसिस के नाम याद रखने होंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम आपको याद रखने होंगे। सॉल्ट भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपके लिए ये सारी चीजें जरूर कराऊंगा। और रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ से आपका क्वेश्चन जरूर आने वाला है, एनसीईआरटी में 2 पेज पर ये दिया हुआ है, तो वहां से आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो इस पार्ट को भी आप लोग जरूर करके जाइएगा, है ना। लिटमस पेपर जो है, इंडिकेटर जो है, वो केवल ये बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, और कितना वो एसिडिक है और कितना वो बेसिक है वो आपका पीएच पेपर बताता है। पीएच पेपर बहुत सारे कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो वीडियो को पूरी तरह से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, यानी कि सबसे पहले पहुंचे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, साइंस का या मैथमेटिक्स का, मैं उसके लिए वीडियो आपको लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए लाइव क्लास भी आपके लिए लगाई जा सकती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।